मुझसे बात मत करना, मुझे बताए बिना जा सकते हो तो मेरे बिना रहना सीखो। ऋषि भाई दोबारा रजिस्ट्रेशन, जबान नहीं चल रही इतनी ठंड हो रखी, दोबारा रजिस्ट्रेशन करा के चले। चलो घर चलो। हो गया, चलो आज का हो गया। पैरों में बहुत दर्द है भाई, यही वो जगह है। मैं कम से कम इस पे गया, उस पे गया, उस पे गया, उधर भी गया, उधर चाय वाला, उस पे गया, सबसे पूछा कि भाई पीने का गर्म पानी दे दो, एक ने नहीं दिया। पीने के पानी के लिए कौन मना करता है भाई। मेरे घर में जितने भी डिलीवरी गाय आते हैं मैं सबको पीने का पानी ऑफर करता हूँ, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। इनका कहने का बेसिकली मोटिव ये था कि पानी की बोतल खरीदो तभी हम पानी गर्म करके देंगे, और ये इन्होंने एक्चुअली करा भी। यार भगवान के द्वार में आके ऐसी हरकतें करना यार सही नहीं है। चलो अभी सीधा बाइक पे मिलते हैं। ओके गाइस, एक छोटा वाला ना भारी नुकसान हो गया है। छोटा क्यों? इसका जो हुक है ना ये खो गया। भारी क्यों? अब मोटो व्लॉग नहीं हो पाएगा, तो अब जो भी है इन दोनों पे निर्भर करता है कि ये लोग रुकते हैं तो ड्रोन शॉट लेंगे और 360 शॉट, और अगर ये लोग नहीं रुकते तो इनकी आईडी मैं नीचे मेंशन करूंगा, यहाँ पर इधर इधर इधर, ठीक है, और गालियां बकरियां दे दे के आईडी रिपोर्ट मार दो, ब्लॉक कर दो भाई, भाई घर पहुंचाना, एड्रेस लीक कर दो। ओके गाइस, घर पहुंच चुका हूं मैं। मेरी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा कितना गोरा हो गया हूं मैं फाइनली, क्योंकि मेरी शक्ल पे अभी 15-20 हजार किलो धूल मिट्टी है। अभी मैं घर पहुंच गया हूं। अब देखो मैंने घर में किसी को बताया नहीं है कि मैं पहुंचने वाला हूं, एक्सेप्ट रोहन, और मैंने रोहन को भी बोल दिया कि शूट करियो। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन मेरे घर पहुंचने में क्या होता है। अरे भाई बहुत ज़्यादा काला नहीं हो गया मैं? अभी नहाऊंगा वापस गोरा हो जाऊंगा। ऑल्दो नो रेसिज्म भाई, गले में भी मिट्टी हुई है। हाय जानम, जानम अरे लॉक लगा रही है। अरे गेट तो खोल दे। क्यों खोल दूँ? कोई ऐसे ट्रीट करता है क्या? 1000 किलोमीटर बाइक चलाई है मैंने, मैं क्या करूँ? और उसके बाद, और उसके बाद मैंने 50 किलोमीटर ट्रैकिंग की। पूछ के करा, मुझे बता के करा। हाँ सही है, बाहर बैठो, कोई जरूरत नहीं गाने की। वहाँ बाहर में बैठ जा वहाँ पे। अरे सुन तो, मैं केदारनाथ मंदिर गया। तो मैं क्या करूँ? मैं वहाँ से आया, मुझे बोल के गए बाबा जी का प्रसाद लेकर आया हूँ मैं। तो क्या करूँ? प्रसाद दे दो और बैठूंगा। अरे तो प्रसाद ऐसे ऐसे बना नहीं करते, जो प्रसाद लेके आता है उसको घर में एंट्री देते हैं और तब प्रसाद लेते हैं। प्रसाद दे दो। नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू टेक द प्रसाद फ्रॉम द गाय हु ब्रॉट इट। अच्छा फाइनली एंट्री मिल रही है मुझे गाइस, फाइनली एंट्री मिल गई। देख लो, हैव द केदारनाथ का प्रसाद एंड ये बाबा जी। बिना बताए कैसे गया है? अरे लग रही है क्या है? ऋषि बचा मेरे को। तो क्या वो देखो शूट कर रहा है, वो शूट कर रहा है। और मारो इसे, और द रोहन ने मेरा साथ दिया है, रोहन ने मेरा साथ दिया था, उसको पता था। तुम्हें गंदा हो रखा है ऋषि की कसम, और आपको ऋषि की मम्मी की कसम कि नहीं मारोगे आप मुझे। बिना बताए हुए ना, उनो रिवर्स कैसा होता है, बिना बताए हुए जाते हैं ना तो कैसा गुस्सा आता है। पता ना, तो अब तुम्हें ऋषि कसम, तुम मेरे कमरे में एंटर नहीं करोगे। इसको कहते हैं उनो, और
मुझसे बात मत करना। जब मुझसे मुझे बताए बिना जा सकते हो तो मेरे बिना रहना सीखो। अंकिता से बात करो फिर। किसी से मर्जी बात। अंकिता। हाँ मैं भी अंकित से बात कर लूँ। हे भगवान, मम्मी ये कहाँ से अंकित ले आई? मैं मल्लिका से बात करूंगा। अब तू किससे करेगी? पागल पागल हो गए, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये देखो इसके चेहरे पे तो हंसी भी आ रही है। ये मेरे को देखिए एक्चुअली खुश है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। बहुत खुश है। ये देखो, 4 दिन बाद है। ये देखो ये क्या हमारे घर में ऐसे घुस रख गए हैं। आई नो यू लव मी बेबी। अरे ऋषि, तू कहां से निकल? तू कहां से निकल के? ओ निधि बेटे, अरे अच्छी लग रही है निधि। निधि निधि अच्छी लग रही है। निधि मैं तो अब अंदर आ गया, मैं नहीं जाता बाहर। अब मैं जा रहा हूँ नहाने शावर लेने। गाइस सीधा नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है? मजे लेते हुए है ना बेबी? व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग क्रू लाइफ गैंग एंड हैप्पी दिवाली सभी को। वीडियो एक दिन बाद जा रही है तो बी लेटेड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं सच्ची में टारगेट दीदी का सर कर रहा था, बड़ी इस पे लग गया। मम्मी का डावा। अच्छा तूने झाड़ू लगाया था क्या अभी अभी? लोग दिवाली पे काम करते सफाई करते ही गंदा करेगा क्या? निधि तू तो चली जाएगी कुछ दिन बाद, तू तो? बोली क्यों रही है? अभी क्या कर रही है तू? मम्मी देखो सोफा भी खराब कर दिया, अभी गेस्ट आ जाएगा कोई। पति परमेश्वर होता है, मार नहीं सकती तू पति को। 4 दिन मिस किया मैंने ये सब हरकत करने से, तो इट्स लाइक I wanted to try more. मेरी सांस क्यों फूल रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। शिल्पा एक बार घर पे फोन लगाना, मेरी सांस फूल रही है। चार समोसे। थैंक यू भैया, 4 समोसे ले लिए। एक तो हम लोग इतनी लेट आए हैं, स्वीट्स शॉप सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बंद हो गया है और हमारा पोपट हो गया है, तो हमने ना 4 समोसे लिए। अब हम इसी से अपनी दिवाली निकालेंगे, तो हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहिए था। क्या कर रही है? तूने 4 समोसे उधर दे दिए। हाँ। अब हम क्या खाएंगे? बनाएंगे। हम लोग इतनी दूर आए खाना पैक करवाने, सब कुछ खत्म मिला तो 5 समोसे में पड़े मिले जिसमें से हमने 4 पैक करवा लिए, क्योंकि 5 ऑड नंबर हो जाता है ना, और आज दिल्ली में ऑड नंबर चल रहा है। कोई सेंस है इस बात? तो तुमने ये हरकत करी, ठीक है अच्छी बात है तुमने डोनेट करा, पर अब हम क्या खाएंगे? सिर्फ यही चल रहा है। गाइज हम इतनी दूर आए घूमते हांडते और पता चला कि सब कुछ बंद है। अभी अभी हमें सूत्रों से पता चला कि सिर्फ सबवे खुला है, पर घर में कोई सबवे का फैन है? यही ऑप्शन है? याद है ये वही जगह है जहाँ पर तूने मुझे बोला था कि रोमांटिक लंच पे लाइव खाना जहाँ बनता हूँ मुझे वहाँ खाना खाना है, और फिर मैं तुझे यहाँ ले आया था और तू फिर बहुत खुश हुई थी, याद है? नहीं। याद ही नहीं।
इसको बताओ कोई इसके बाप की जगह नहीं है। आपके पापा की है क्या जगह? हाँ कह रहा है यार, पूरी जगह खाली कर दिया तूने। हमने हार के ना सब्वे खाना पसंद करा, क्योंकि ना खाने से अच्छा है कुछ तो जाए पेट में। हो गए हैं? हैं? ये एक या दो? मैं तो दीदी से एक्सपेक्ट कर रहा था दीदी कुछ कॉमर्स वाले आंसर देगी। भगवान जी खाए नहीं, पहले खुद खाने को बैठा रहता है। मम्मी भगवान हमारे अंदर है। अच्छा, हर इंसान के अंदर भगवान है, तो हमें पहले खाना चाहिए, तब तो भगवान जी को मिलेगा ना। आप ही मेरी भगवान हो, सबसे पहले मैं आपका पैर छूंगा ना। अच्छा, आगे बैठा हुआ है कमीना कहीं का। भगवान जी के सामने आके कमीना कुत्ता कर रही हो। मम्मी हद हो गई यार, बताइए बड़ी ही शर्म की बात है। पटाखों में सब कुछ पसंद है ऑलमोस्ट एक्सेप्ट अनार। एक तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है, मतलब अपनी अपनी चॉइस है, उसमें से सिर्फ धुआं निकलता है कुछ और आग निकलती, कुछ ऐसा धमाका तो होता नहीं है। सबसे बेस्ट आई लव द स्काई शॉट, जिसमें से बहुत सारे निकलते हैं यार, वो बेस्ट है। चुम्बेश्वरी मैं जलाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे देखने में बहुत मजा। वर्स्ट पार्ट इज ऋषि, अभी हम नीचे ले गए थे ऐसे थोड़ा बहुत दिनों उसको दिखाने के लिए कि देख भाई कितना दिवाली के दिन जगमग हो जाता है हमारा पूरा भारत, पर ऋषि हमारा रो गया और अभी चप्पल खा रहा है। अबे ओ चप्पल तू ये मत खाइयो, जब तेरी शादी हो जाएगी तब तेरी बीवी मारेगी, तब हो जाएगा चप्पल खाना तेरा। कुछ भी नहीं हुआ। हेलो, हो दिखाइयो 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 दिखाइयो, ये लड़की वर्कआउट कर रही है, कह रही है कि शादी से पहले मेरे को एब्स चाहिए। ये औरत कह रही है कि मेरे को एब्स चाहिए। और एक गुलाब जामुन, एक दो तीन चार पांच गुलाब जामुन खा रही है। सबके लिए कितना झूठ बोल रही है, किसी को पूछी भी नहीं। एक बार अकेले अकेले खाने में लगी हुई है। ये ऑलरेडी मोटे वाले बम है, इसमें से बहुत तेज आवाज आती है। सारे घर में आ चुके हैं, चेंज कर चुके हैं, और दिवाली का एंड कुछ तगड़ा तो होना चाहिए ना भाई। पिछले साल तो हम कुछ कर नहीं पाए, अभी करने की कोशिश करते हैं। मम्मी नीति शिल्पा तीनों किचन में अपनी लेडीज वाली टॉक्स कर रहे हैं। समझ गया ना क्या करना है। चल सही बात है यार, लेकिन हाँ मतलब चीजें मिलती नहीं है। डेफिनेटली रोहन के काम होंगे, देखो इसने फेंका है, इसने फेंका है, मेरे पास वीडियो में सबूत है, इसने फेंका है। सिर्फ रोहन ने फेंका है, मैं सिर्फ शूट कर रहा था, सबूत दिखाता हूँ। चेक इट आउट, चेक इट आउट, मैंने बोला था ना रोहन ने फेंका है। आप लोग मेरे पे भरोसा ही नहीं करते हो, मेरे पे बिल्कुल ही भरोसा ही नहीं है। धो इसको धो। मेरा काम सिर्फ रोहन को फंसाने का था। जब थप्पड़ के थप्पड़ की, मेरे को थप्पड़ की आवाज आई। रुको 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 रुको, क्या हुआ ये? देखो ये पूरा घर फैला दिया मम्मी, कोई पूरा सफाई कर रहा हूं। दिस वीडियो यहाँ तक देखना तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। दिवाली के दिन दोनों की पिटाई हो गई भाई की। हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे, चलते चलते। रोहन अपनी चप्पल तो खा ले। मम्मी देखो चप्पल, मम्मी देखो सोफे में चप्पल।
मम्मी देखो सोफे पे चप्पल भी रख रहा है आप तो, ये देखो।